नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोबित बिजनेस वाला। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पान बहार 5 रुपए वाले के बारे में। तो मैं अपनी स्क्रीन पे पान बहार 5 रुपए वाले का पैकेट दिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ पान बहार 5 रुपए वाला, तो अपनी प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं पान बहार 5 रुपए वाले का पैकेट है। दोस्तों जब भी कोई ब्रांड होता है तो उसकी पहचान उसकी कंपनी से होती है, तो उसका इसका नाम ही है पान बहार, उसकी कंपनी का भी नाम पान बहार है, लेकिन इसका पूरा नाम है अशोक पान बहार प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये अशोक पान बहार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से बनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये बन के कहाँ से आता है। तो दोस्तों ये नाजफ़र रोड न्यू दिल्ली से बन के आता है। कहाँ से? नाजफ़र रोड न्यू दिल्ली से बन के आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब दोस्तों बात करते हैं, कोई भी चीज़ खाने वाली होती है तो हम उसमें एक्सपायरी डेट ज़रूर देखते हैं। मान लीजिए खाने वाली तो नशे वाली चीज़ है और बाकी हर चीज़ में हम एक्सपायरी डेट ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊँगा, सीधे बताऊँगा कि इसका एक्सपायरी डेट होता है 6 महीना। कितना? 6 महीना। जी हाँ, इसका एक्सपायरी डेट होता है 6 महीना। अब दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो पैकेट आप मेरे हाथ में देख सकते हैं उसमें कुल 30 पीस है। दोस्तों इसके प्राइस के बारे में और इस पर चल रही स्कीम के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों इसमें 30 पीस है। जी इस पूरे पैकेट में 30 पीस है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की, तो सबसे पहले बात करते हैं रिडल की। दोस्तों आप जानते हैं कि 5 रुपए का एक बिकता है और 30 पीस है, तो भाई 5 × 15 यानी 150 रुपए का पैकेट पूरा हो गया। कितने का? 150 रुपए। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं फिर आपको ये कितने का पड़ता है? तो दोस्तों मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊँ, सीधे बताऊँगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो ये 135 रुपए का पूरा पैकेट मिलता है। कितने का? 135 रुपए का पूरा पैकेट मिलता है। लेकिन दोस्तों बहुत लोग कहेंगे कि 32-33 का भी मिलता है, तो उनकी बात को भी नकारेंगे नहीं। दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा दूँ कि ये जो 5 रुपये वाला 5 पैकेट का जो पूरा बंडल है, इसमें ये कूपन देखिए ये कूपन लगा है। तो दोस्तों ये 675 रुपये का कूपन आता है, 675 रुपये का पैकेट आता है, 675 रुपये का पैकेट आता है। और उसमें ये देखिए मेरा कूपन 20 रुपए का निकला, तो दोस्तों ये 20 रुपए का कूपन है, तो इसको जब 675 में 20 घटाएंगे तो ये 655 रुपए में 655 को जब 5 से भाग करेंगे तो दोस्तों ये 131 रुपए का पैकेट पड़ जाता है। कितने का पड़ जाता है? 131 का। जब 131 का पड़ जाता है तो अपने अपने हिसाब से दुकानदार 132-33 वैसे 35 इसका सही रेट है। दोस्तों एक बार हम फिर से समझते हैं कि ये 5 रुपए का एक बिकता है, 30 पीस का ये पूरा पैकेट लेते हैं, तो 150 में रिटेल का हो गया। अगर होलसेल में मार्केट से लेते हैं तो ये 135 रुपये में प्राप्त होता है, ठीक। और अगर आप पूरा 5 का पैकेट लेते हैं तो ये आपको 675 रुपये में प्राप्त हो जाता है। और उसमें ये 20 रुपये का कूपन निकलता है, 20 रुपये से कम कूपन नहीं निकलता है, और उसको काट पीट के ये आपको 131 रुपये में एक पैकेट पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगले किसी अन्य वीडियो के में, तब तक के लिए नमस्कार।